ये कॉल्ड है। चलिए, महेश बोगड़ा फ्रॉम उत्तरकाशी उत्तराखंड गंगोत्री विधानसभा से और एबीएसएम न्यूज ग्रुप एज वेल एज दैनिक सचखंड न्यूज के लिए एंड नेशन वन न्यूज के लिए फ्रॉम उत्तरकाशी उत्तराखंड। मैं अभी राजकीय पशु चिकित्सालय सदर ज्ञानसू उत्तरकाशी में खड़ा हूँ और काफी कस्टमर की काफी जो बार बार काफी दिन से फोन आ रहे थे और कई ऐसे एनिमल्स जो रात में बीमार हो जाते हैं और प्रॉपर उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर प्रमोद पाठक जी हैं और साथ में क्या कहते हैं शॉर्टेज स्टाफ है या मे बी समथिंग व्हाटएवर इज देयर। नाउ लेट द आस्क अबाउट द रिगार्डिंग थिंग्स हाउ इन केस सम देयर इज इमरजेंसी एज अ नाइट हाउ दे विल टैकल एंड हाउ विल कम अप फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द थिंग्स। यस डॉक्टर साहब, वेलकम टू हियर। थैंक यू डॉक्टर साहब। कितना स्टाफ है आपका यहाँ पर? मैं यहाँ डॉक्टर प्रमोद पाठक पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड वन। राइट। हमारे साथ चीफ फार्मासिस्ट मिस्टर जगदीश चक्र प्रसाद। टोटल स्टाफ कितना है सर यहाँ पर? इसके अलावा चतुर्श्रेणी है। राइट। तो चतुर्श्रेणी लगभग 5 है। राइट। जब कभी इमरजेंसी केस आते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाते हैं यहाँ पर, जब डॉक्टर कैसे आप टैकल करते हैं उसको? अब चूंकि ये नगरीय क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र भी है, हमारे यहाँ दो न्याय पंचायतें भी हैं साल्ट में। तो एक जो साल्ट में हमारे पशुधन प्रसार अधिकारी थे उनका प्रोन्नति हो गई। कितने बजे तक आप यहाँ पर सेवा देते हैं? पशु चिकित्सालय 9 बजे खुलता है और 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक यदि उसके बाद कोई पेशेंट आते हैं अपने एनिमल को लेके, तब क्या है यहाँ पर व्यवस्था? कुछ उसके बाद भी कोई व्यवस्था है क्या? एक्चुअली मेरा आवास यही है और जो चीफ फार्मासिस्ट है उनका आवास भी यही है। नहीं, क्या गवर्नमेंट की ओर से कुछ ऐसी व्यवस्था है क्या? वो तो आप रहते हैं, वो अलग चीज है। जी हाँ। क्या गवर्नमेंट का ऐसा कुछ है एजेंडा है ये कि यदि उसके बाद आता है कि आप प्रॉपर ऑफिशियल ट्रीट देंगे या पर्सनली आप उनसे कुछ चार्ज लेंगे, क्या सिस्टम है? चार्ज का तो कुछ नहीं, जो राजकीय निर्धारित शुल्क है 40 रुपए कुत्ते बिल्ली का शुल्क है और गाय भैंस का 10 रुपए है और घोड़े का भी। यदि सर कोई ऐसा एनिमल, कोई कुत्ता गाय जानवर ऐसे कि वो अनेबल टू मूव, चल नहीं सकता, बिल्कुल बुरी हालत में, तब आप कैसे टैकल करते हैं उसको? दूर के लिए निश्चित रूप आप बैठे वस्तु पर, इधर बैठे, यहाँ बैठे। भाई दो ही स्थितियाँ होती हैं हमारे यहाँ पर्वतीय जो भौगोलिक स्थिति है उसमें बीमार पशु का जब पशु चिकित्सालय पे आना संभव नहीं है तो उस केस में हमें वहाँ जाना पड़ता है। नहीं, टाइम के बाद भी क्या, सपोज नाइट में कोई 9 बजे बीमार पड़ जाता है, एनिमल बहुत बुरी हालत है, तब क्या यहाँ पर कोई व्यवस्था है गवर्नमेंट की, तब क्या करते हैं? नहीं, ऑनगोइंग व्यवस्था तो नहीं है, जो हमारे पास यही एग्जिस्टिंग व्यवस्था है इसी में वहाँ जाना पड़ता है, इलाज करना पड़ता है। चलिए, जो आपकी ओर से बनता है दैट बी बेस्ट। डॉक्टर पाठक साहब बहुत बहुत बधाई आपको इस चीज के लिए। क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कुछ बोलिंग आप सरकार से? क्या शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, नाइट में लोगों कहने पब्लिक की सर्विस नहीं मिलती है, कई बार उनको बहुत पैसा देना पड़ जाता है, इधर उधर से डॉक्टर मंगाने पड़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें, कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है? अब चूंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ मामला है राइट, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये माना है कि जो पशु का के अधिकार है वो मानव के अधिकारों के एक्ट पार, संविधान की व्यवस्था ये है कि हम पशुओं के प्रति सहृदय रहें और खासतौर से गोवंशीय पशुओं का कल्याण हमारा संवैधानिक दायित्व है। तो इस स्तर की व्यवस्थाओं के लिए, निरंतर अनुश्रवण के लिए 24 घंटे अगर हम सेवाएं देना चाहते हैं तो हमें प्रशिक्षित स्टाफ जैसे स्टाफ को मतलब जरूरत है यहाँ पर, तभी जाके जब तक टाइम के। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए जी, क्या नाम है आपका? कब आए आप यहाँ, क्या नाम है आपका? पदम रमोला। पदम रमोला जी, आप कब आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं? दो तीन बार आ गए। क्या आपको जब आया यहाँ पर आते आपको सेवा मिलती है, क्या कहना चाहिए? चार्ज दिया जाता है 40 रुपए। फुल सेटिस्फेक्शन है, कुछ आप बोलना चाहेंगे? लेट लगा या कभी ऐसा हो गया कि आपको सेवा नहीं मिल पाई, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन रात को यहाँ पे सुविधा नहीं मिलती, रात को सुविधा नहीं है, तो क्या करते हैं यहाँ के लोग जब रात को सुविधा नहीं होती, क्या करते हैं? क्या आपका यहाँ क्या आ रहा है आपका? कुत्ता साथ में, आज आप तीसरी बार आ रहे हैं? तीसरी बार। तो क्या है सेवा यदि रात में बीमार पड़ जाते हैं, तब क्या करते हैं? घर पे करना पड़ता है इलाज, यहाँ तो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, ऐसा नहीं कि कोई सेवा मिलती हो आप आते हैं डॉक्टर साहब को ले जाते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था होती है? फोन पे भी हो सकता है व्यवस्था, फोन पे अगर दवाई संपर्क करें तो डॉक्टर साहब। क्या चाहते हैं आप, सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? शॉर्ट ऑफ स्टाफ है, नाइट में सेवा नहीं, क्या कहते हैं आप? यहाँ पे स्टाफ
स्टाफ पूरा होना चाहिए और सबको जो है सेवा। चलिए ग्रामोलॉजी यहाँ पर अपने कुत्ते को लेके आ रखे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर एक और स्टाफ है यहाँ पर। आप कौन है साहब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम धीरेन्द्रपाल सिंह है। धीरेन्द्रपाल सिंह, आप क्या है सर यहाँ पर? मैं पोस्टिंग प्रसार अधिकारी हूँ अभी। अभी हमारे कल ही दो दिन पहले हम अभी ट्रेनिंग किया नहीं, अभी हम मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं और अभी हमारी पोस्टिंग होने वाली क्या है यहाँ पर? आपको कितना क्राउड मिलता है? हाउ मेनी जस्ट एनिमल्स यू लुक एट डेली? हाँ एनिमल ठीक ठाक ही है, काफी है। यदि कहीं दूर आपको जाने का मौका बुलाया जाते हैं तो क्या आप कितना चार्ज देते हैं? फिर क्या है उसका सिस्टम? नहीं उसका कोई चार्ज या कुछ नहीं है उसको। हमको जो एफटीए मिलता है जो हमारी जो गवर्नमेंट की फीस होती है कुत्ते का जैसे डॉक्टर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्रपाल सिंह। धीरेन्द्रपाल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए स्टूडेंट। कुल मिला के बात इसे निकल आती है कि कहां पर है फॉल्ट, क्या प्रशासन का मिस्टेक है या आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे। अभी हम शूट करेंगे लगातार इस पे और देखते हैं अभी इधर-उधर जाकर के भी क्या सिस्टम है आपका गवर्नमेंट का। 3:30 बजे के बाद क्या सेवा मिलती है नहीं मिलती है? और कुल धरातल पे जाएं यदि तो ज्यादातर लोगों का कहना है तो उसके बाद उनको वेट करना पड़ता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए और फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कहां पर है खामी, क्या व्यवस्था है प्रशासन की? गवर्नमेंट अपनी ओर से बार बार दाव ठोकती है कि एनिमल एक्ट हमने पास कर दिया गया, लेकिन धरातल में वास्तविक कुछ हालत डिफरेंट टाइप ऑफ मिलते हैं। और डॉक्टर पाठक जी का कहना है कि दे आर ट्राइंग टू द बेस्ट फ्रॉम द देयर साइड, बहुत कोशिश करते हैं अपनी ओर से जितना उनसे बनता है, बट द सॉर्ट ऑफ स्टाफ है अल्टीमेटम। क्या निकलती है बात, कैसे ये एनिमल को हम सेफ रख पाएंगे? बार बार एक्ट बनाने से क्या हमारे एनिमल ठीक हो जाएंगे? और बहुत सारी हमें फोन कॉल भी आई थी जो हमारे कैमरे में कैद हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखते हैं महेश बोगड़ा फॉर एबीसी न्यूज ग्रुप के लिए फ्रॉम उत्तरकाशी उत्तराखंड, देखते हैं कौन है इसका दोषी या अधिकारी है, या हमारी कानून व्यवस्था है, या हमारे न्यायपालिका है, या हमारे जो विधायक गण लोग हैं, हमारे जो नेतागण हैं, कहाँ पर है? देखते हैं महेश बोगड़ा फ्रॉम उत्तरकाशी उत्तराखंड से डायरेक्ट गंगोत्री विधानसभा से। थैंक यू वेरी मच विद मी, थैंक यू वेरी मच।